हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रिय एंड फैमिली ब्लॉग। फिर से आप लोग के सामने, ज़्यादा तो खास नहीं है गाइस, तो भी और एक वाला ब्लॉग लेके आई हूँ। बहुत दिन के बाद बाहर निकल रही है हम लोग परिवार साथ में। ये देखो, ये भी ब्लैक पहनी है, मैं भी ब्लैक। सर ये थोड़ा अलग चीज़ पहन के वाइट कलर पहन के जा रहे हैं गाइस। तो कुछ खास नहीं है, ऐसे थोड़ा बाहर घूमने का मन कर रहा था बेटी को भी, तो हाँ, तो इसलिए उसका दोस्त लोग भी आ गए थे खेलने के लिए। बोला रहे थे मेरे बेटी को, आ जाओ चला खेलेंगे, लेकिन ऐसे घर में बोरिंग हो रहे थे, सोचा थोड़ा बाहर जाके कुछ खा के ताके आए। तो आज का ब्लॉग यही है, जब बस बाहर घूमना और जाना और खाना, और एटीएम में भी थोड़ा जाएंगे गाइस। और क्या है, और कुछ स्पेशल नहीं है आज का मेरा ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग बोरिंग मत हो जाएगा। तो जब तक हम लोग का डेस्टिनेशन में, मतलब जगह में जाके नहीं पहुँचते, तब तक प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल में बने रहिएगा। एंड सॉरी, बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था नया जगह दिखाऊंगी, अच्छा जगह दिखाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं है गाइस। काम के प्रेशर की वजह से हमेशा वही डायलॉग होता है, सचमुच काम के प्रेशर की वजह से कहीं पर भी जाने का वक्त नहीं मिलता। तो आज थोड़ा टाइम मिला है थोड़ा बाहर जाके घूमने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो इसलिए जा रही हूँ। तो मिलते हैं गाइस फिलहाल। अभी शाम कितना टाइम बज रहे नो, 5 बज रहे ना, 6 बजने वाला है गाइस। देखो वो भी मेरे वजह से लेट हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी जाना होता है तो सीक्रेट बात मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज बोल रही हूँ गाइस, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं पर भी जाना होता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है मेकअप शेकअप करने का और ड्रेस ये सब वगैरह चूज़ करने का। आज सिंपल पहन के बाहर हुई हूँ, ज़्यादा तो नहीं है हम लोग तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ है मेरे वजह से। फिलहाल मेरा पति मेरे ऊपर बहुत थोड़ा सा गुस्सा है, ज़्यादा तो नहीं है देखो, क्योंकि मैं लेट करती हूँ, और साथ साथ में मेरे बेटी भी बहुत गुस्से है ना। मम्मा गुस्सा हो तो चलते हैं। देखो नज़ारा, शाम का नज़ारा कितना अच्छा है। रात हो गई है, रात आप लोगों को तो पता है ये वाला जगह कहाँ है गाइस, ये है शांति बाजार। रात में तो फिलहाल अभी हम लोग पेट्रोल घुसाएंगे, पेट्रोल लेने के बाद, हाँ इंडिया पेट्रोल, बाबा मेरा बेटी को पता है। पेट्रोल लेने के बाद कुछ खाने के लिए जाएंगे। देखो देखो, इंडिया का स्पेलिंग लिखा है किधर, इंडिया पेट्रोल। हाँ मेरा बेटी को सब पता है गाइस, सब पता है। अभी हम लोग पेट्रोल भराने के लिए अभी यहाँ रुके हैं। इंसान का गाड़ी कैसा है, उसका पुत्ती तो ऊपर में। मेरा बेटी ये वाला कार देख के, देखो उसका पीछे वाला नहीं है वो, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। आते आते ही रात हो गई है यहाँ शांति बाजार में, तो कुछ खाने वाने लेके ऐसे जाएंगे आज, क्या बोलेंगे। कार में बैठ बैठे दिन गुजर गई है गाइस, और कार में पेट्रोल भी नहीं है, उसे सिलसिले भी आ गई। थोड़ा घूमेंगे और फिर से जाएंगे। हाँ ये मेरा बेटी, मेरा दोस्त बोल के रास्ता तक, यहाँ तक रास्ते से यहाँ तक हम लोग को जलाया है। बोला मम्मी जल्दी जाना है, दोस्त लोग के साथ खेलना है, देखते हैं जल्दी पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो बोलाने के बाद उसको भी आइसक्रीम खिलाना है, मो आइसक्रीम खाना है ना, तो आइसक्रीम लेने के लिए जाएंगे। वो लोग मुझे देखे इसी कारण उसका मत था। हाँ कोई बात नहीं, हस्बैंड एटीएम जा चुके हैं, तो अभी हम लोग 7 हेवन रेस्टोरेंट जाएंगे, मुँह चलो खाने के लिए जाएंगे। तो मुझे पकड़ो। तो गाइस एक केक ऑर्डर दिया है, अभी केक खाएंगे। हाँ ये हटाओ, आइसक्रीम तो पापा लेके आएगा। ये देखो ये 150 रुपीज़ है, अभी मेरा बेटी के लिए मैंने ऑर्डर किया है अभी खाने के लिए। देखो खाओ जब तक हम लोग का। ये बादाम है, बादाम नहीं खाओगे तो रखो मेरे लिए, जो बादाम नहीं है वो वाला खाओ। तो फिर से आ गए हैं हम लोग 7 हेवन रेस्टोरेंट में गाइस। तो फिलहाल मोमो लेंगे, मोमो फ्राई और एग रोल वो लेके बस जाएंगे। फिलहाल मेरा हस्बैंड तो आइसक्रीम लेने के लिए गई है,
हम लोग का जो पार्सल है फ्राई मोमो आ चुके हैं, बेटी खाते खाते और हस्बैंड आते आते, और एग रोल तो ऑर्डर किया है, तो वो लेने के बाद हम धीरे धीरे जाएंगे। तो तब एग रोल नहीं पके नाशिंग, तो मैं बार बार मास्क लगाना रहा हूँ, एग रोल के वेट कर रही हूँ। और हस्बैंड भी अभी गई है थोड़ा आइसक्रीम लेने के लिए, तो जब तक वो नहीं आता तो हम लोग यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। बेटी को आइसक्रीम खिला रही हूँ एक्चुअली गाइस, और कहीं पर भी जाने का नहीं है सर, वही है हम लोग का आज का, मेरा मतलब मेरा ब्लॉग आज का, ज़्यादा स्पेशल कुछ खास नहीं है। कहीं पर भी जाने का मतलब इंटरेस्ट अगर मैं जाने का टाइम ही नहीं था, तो ऐसे घूमने के लिए बाहर आ गई और सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगा गाइस यहाँ तक, ज़्यादा तो इंटरेस्ट भी नहीं लगा होगा, तो पसंद किया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बोलते हो मेरे बेटी कैसे खा रहे हैं, देखो कैसे खा रहे। माय गॉड, सुंदर करके खाओ ना, थोड़ा तुम्हारे पास लेके जाओ, ऐसे करके खाओ, अच्छे से पकड़ो मम्मा। नो सारे, थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग सेवन हेवन रेस्टोरेंट से आ गई है। मेरा बेटी देखो, उसका पापा ने आइसक्रीम लेके आया, आइसक्रीम खा रहे अंधेरा अंधेरा। ये पीछे रखो। तो गाइस जो जो चीज़ लिया है घर में जाके दिखाएंगे, फिलहाल आइसक्रीम तो पिघल जाएगा। ये पकड़ो आइसक्रीम, ये पकड़ो, ये थोड़ा पीछे रखो। एग रोल लिया है, चिकन फ्राई लिया है, मोमोस लिया है। तो अभी खाते खाते जाएंगे। उठो मुझे, उठो मुझे बैठना है। पूजा तो सामने आ रहे इसलिए जोर जोर से ढोल बजा रहे, ढोल ढोल ढोल। तो चलते है गाइस, सेवन हेवन तो बहुत फेमस हो गई है, अभी तो बहुत सारा कस्टमर भी आता है, अच्छा अच्छा चीज भी बनाता है। खा रहे हो माँ, ऐसे कौन खाता है लाइफ में, कभी भी आइसक्रीम नहीं खाया, देखो पहली बार खा रहे ऐसा लग रहा है गाइस, देखो माय गॉड। खाओ खाओ, क्यों बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है आज मैंने देखा। जब आया था थोड़ा लगने वाला था उस टाइम, सब लोग आज के वहाँ पता नहीं, एक ट्रक और वैन। अच्छा अच्छा, आजकल दिन खराब है भाई, इसलिए सावधान से चलो। घर में आके पहुँच गई हूँ, मतलब घर में मतलब क्वार्टर में आके पहुँच गई हूँ। मेरा बेटी सो गई है, पूरा रास्ता शांति बाजार से जब रास्ता पार किया था तो वहाँ से सो गई है। फिलहाल देखो सो रही है मेरी बेटी, लेकिन उसका दोस्त लोग के साथ खेलने का मन था, लेकिन क्या करे थक गई है वो, दोपहर में नहीं सोया तो इसलिए अभी सो रही है, तो सोने देते उसको अभी। तो मैंने शांति बाज़ार से क्या क्या लेके आया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस। ये है चिकन फ्राई, पहले ब्लॉग में भी दिखाया था, 600 रुपीज़ का है 6 पीस। अब ये है एक पेटीज, बहुत दिन के बाद खा रही हूँ गाइस, एक पेटीज मिलता है लेकिन आज मिला है खाने के लिए, तो लेके आई हूँ। जब मैं पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर में मतलब गई थी पढ़ाई कर, मेरा स्टडी कंप्लीट करने के लिए गाइस, तब ये एक पेटीज मैं मेरे दोस्त लोग के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं खाती थी। ये एक पेटीज देखने के बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग याद आ रहे हैं। मेरा फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखा तो मुझे भी याद कीजिएगा। सचमुच गाइस मैं आप लोगों को बहुत बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त लोग। और बेटी के लिए एग रोल लिया था, एग रोल तो हाफ खाई है, हाफ खा के सो गई है। और यहाँ पर है फ्राई मोमो, एक हाथ से खोल रही हूँ क्योंकि दूसरा हाथ तो मैंने मोबाइल पकड़ के रखा है गाइस। तो ये देखो
ये है फ्राई मोमो, तो ये है कंप्लीट जो लेके आई हूँ। और ये फ्राई मोमो के साथ रेड चिल्ली, ज़्यादा कुछ स्पेशल लेके नहीं आई हूँ गाइस, कभी कभी मेरा बातें बोलना अटक जाता है, तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा मेरा गलती, अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो इतना ही है, बहुत टेस्टी होता है गाइस फ्राई मोमो, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत बहुत। हम लोगों को पसंद होगा कि पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो ये सब लेके आई हूँ शांति बाज़ार से, सेवन हेवन रेस्टोरेंट से गाइस। तो गाइस इतना ही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, तो आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये खाने का चीज़ देखे मेरा मुँह का पानी गिर रही है, क्योंकि खाने का चीज़ देखने से मैं नहीं रह सकती, क्योंकि खाना मतलब क्या बोलो गाइस, खाने का मन होता है, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ आप लोग से विदाई लेने के बाद। मैं ज़रूर खाऊंगी, छटपट खाऊंगी गाइस, वेट नहीं करूंगी। तो और क्या करेंगे, बेटी तो सो गई है, तो वो उठेंगे कि नहीं उठेंगे वो तो पता नहीं है, और उठेंगे तो खाना खिलाएंगे, नहीं उठेंगे तो जो एग रोल खाया था हाफ वो खा के तो उसका पेट भरा, थोड़ा सा भरा होगा, ज़्यादा तो नहीं है गाइस। और क्या बोलूँ, अभी मेरा हस्बैंड रात के लिए चावल थोड़ा बिठा रही है, क्योंकि ये खा के तो पेट नहीं भरने वाली, रात को तो थोड़ा राइस खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ का मतलब गांव का लोग है, खाना नहीं खाएगा तो कैसा होगा। खाना तो हम लोग बचपन से खा के आई है, तो बिना खाना खा के नहीं रह सकते। जो जितना भी मैं रोटी खाऊं या पूरी खाऊं वो हज़म नहीं होता, राइस तो ज़रूर मुझे खाना पड़ता है गाइस। तो और क्या बोलूँ, तो धीरे धीरे जाके फिर से फ्रेश हो जाऊँगी, थोड़ा सा सब्ज़ी बनाऊँगी, तो रात के लिए खाना भी बनाना है, तो आप लोग से मैं विदा लूँगी गाइस। यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग जो मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ, कहीं पर भी अगर भूल चूक मेरा बातें बोलने का भूल है तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इतना ही बोल के मैं आप लोग से विदा लूँगी, फिर मिलेंगे नया और एक ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस एंड जतनो हर कहा।